इंदौर डिविजनल ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन इंदौर एवं सेंटर फॉर साइट हॉस्पिटल के द्वारा विश्व दृष्टि दिवस के उपलक्ष्य में जन जागरण रैली का आयोजन किया गया। इंदौर डिविजनल ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र वैष्णव ने बताया कि इंदौर सांसद शंकर लालवानी, डॉक्टर प्रतीक व्यास एवं डॉक्टर श्रीमती शरदनी व्यास के द्वारा रैली का शुभारंभ किया गया। रैली के माध्यम से आमजनों को आंखों की सुरक्षा एवं नेत्रदान के बारे में जानकारी दी गई। रैली में 150 डॉक्टर्स एवं ऑप्टोमेट्रिस्ट ने भाग लिया। लोगों की आंखों की सुरक्षा एवं देखभाल के लिए जन जागृति लाने के उद्देश्य से रैली निकाली गई। डॉक्टर व्यास ने कहा कि भारत में 1,07,00,000 लोग अंधत्व के शिकार हैं। इनमें से 70-80% लोग उपचार से ठीक हो सकते हैं, इसलिए लोगों में आंखों के प्रति जन जागृति होना अति आवश्यक है। ये सेंटर फॉर साइट और इंदौर ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन के सहयोग से निकाली जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है 10 अक्टूबर को, मतलब हर अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को वर्ल्ड साइट डे मनाया जाता है। ये वर्ल्ड साइट डे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मनाया जाता है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है साइट टू फर्स्ट एंड राइट टू साइट, मतलब सभी को अपना देखने का अधिकार होना चाहिए और देखने का जो अधिकार है वो सबसे पहला अधिकार होना चाहिए। इस उद्देश्य से जन जागृति जगाई जाती है। पूरी दुनिया में करीब करीब 1,00,000, पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब 1,60,00,000 लोग अंधत्व के शिकार हैं। इनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं 80-90% जिनके अंधत्व का निराकरण हो सकता है और उनको दृष्टि दी जा सकती है। उसके लिए सिर्फ जागरूकता की ज़रूरत है। तो जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए, जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ल्ड ऑप्टोमेट्री डे के उपलक्ष्य में, विश्व दृष्टि दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने जो रैली का आयोजन किया गया है, इस रैली का मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि आंखों की सुरक्षा एवं देखभाल किस प्रकार की जाए। इस रैली का आयोजन इंदौर डिविजनल ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन एवं सेंटर फॉर साइट हॉस्पिटल के द्वारा किया गया है। इस रैली का शुभारंभ हमारे सांसद श्री शंकर लालवानी जी के द्वारा किया गया एवं केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख भाई भी उपलब्ध रहे इस पर।